कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम प्रैक्टिकली लगता कैसे है, उसके क्या एग्जांपल्स थे, हमने लास्ट टाइम कर लिए कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बारे में। अगर क्वेश्चन आ जाए, मान लो थ्योरी में आ जाए, स्कूल में कंपटीशन में, तो वैसे ही आएगा जैसे मैंने बोला, न्यूमेरिकल भी वैसा आएगा जो मैंने बोला। पर कई बार कोई टीचर दे देता है कि चलो लिखो व्हाट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, तो वैसे तो मैंने आपको बता दिया एफ इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी, इफ एफ इज इक्वल टू जीरो तो पी इज अ कॉन्स्टेंट। लेकिन वो लिखना कैसे, लिखने में ऐसा लिखेंगे व्हेन नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन अ सिस्टम, तो एफ की वैल्यू क्या रहेगी, जीरो। तो ऑफ सेवरल इंटरेक्टिंग पार्टिकल्स, अब ये जरूरी नहीं है, हमने अपने एग्जांपल में दो ही पार्टिकल के साथ मोमेंटम कंजर्व किया, जैसे बुलेट और गन, जैसे कि बोट और मैन। पर एक्चुअल में वो कह रहे हैं कि मान लो एक बॉम्ब के दो टुकड़े ना हो, तीन टुकड़े ना हो, 300 टुकड़े हो गए, तब भी तो लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन वैलिड है। तो फिर हमने एग्जांपल दो और तीन का किया, पर एग्जांपल तो ज़्यादा भी आ सकते हैं, तो इसलिए उसने बोला सेवरल इंटरैक्टिंग पार्टिकल्स, तो कोई नंबर नहीं है इसका। द टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम इज कंजर्व, तो उसमें क्या बोला, इफ एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो तो पी इज अ कॉन्स्टेंट, जो हमने लास्ट टाइम किया हुआ है। आगे टोटल लीनियर मोमेंटम इज अ वेक्टर सम ऑफ लीनियर मोमेंटा ऑफ ऑल द पार्टिकल ऑफ अ सिस्टम। तो हमने क्या किया था कि जैसे बुलेट और गन के एग्जांपल को वेक्टर सम में क्या किया था, m1 v1 वेक्टर या m1 v1 प्लस m2 v2 या m1 v1 वेक्टर इक्वल टू m2 v2 वेक्टर। तो एक्चुअल में वो ये कह रहे हैं कि टोटल जितने भी पार्टिकल्स हैं उनका लीनियर मोमेंटम का वेक्टर सम इक्वल टू जीरो होगा। जीरो क्यों होगा, जैसे एग्जांपल है बॉम्ब फटने से पहले इनिशियल मोमेंटम क्या देता है, जीरो। फटने के बाद सभी पार्टिकल्स का वेक्टर सम क्या होगा, जीरो। तो इसलिए लीनियर मोमेंटम का सम क्या होगा, जो लीनियर मोमेंटम होगा वो वेक्टर सम होगा सभी P1 वेक्टर प्लस P2 वेक्टर प्लस Pn वेक्टर के इक्वल होगा। तो लिखने का तरीका है, और जो नेक्स्ट टॉपिक है इसको स्टार्ट करते हैं।